सोमवार रात लद्दाख सीमा पर चीन ने धोखे से हमारे 20 वीर जवानों को मार डाला। भारतीय जवानों ने भी कार्रवाई की है। 43 चीन के जवानों के हताहत होने की खबर है, लेकिन चीन के कितने सैनिक मारे गए इसको लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। इसको लेकर अब भारत में गुस्सा फूट पड़ा है। भारतीय सैनिकों की शहादत से भारत उबल रहा है। गुस्से में भारतीय अपने वीर जवानों की शहादत का बदला चाहते हैं। चीन के विरोध में सड़कों पर उतर पड़े। अभी तक जो भारतीय चीनी गतिविधियों से ही तंग आकर चीन के उत्पाद का बहिष्कार कर रहे थे, भारतीय जवानों की शहादत पर अब चीनी उत्पाद को आग के हवाले कर रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से चीन के बहिष्कार की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली के स्वदेशी जागरण मंच के लोग चीनी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला बनाया गया और कार्रवाई के विरोध में उसे जिले की महिलाओं ने जला दिया। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में भी चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने चीनी सामान को जला दिया। जम्मू में शी जिनपिंग के पुतले के साथ प्रदर्शनकारियों ने चीन का झंडा फूंका और नारेबाजी भी की। प्रधानमंत्री मोदी से चीन के इस विश्वासघात का बदला लेने की अपील की। उत्तराखंड के सीमांत गांव में भी चीन के खिलाफ गुस्सा दिखा। सीमांत के लोगों ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन को जवाब देने की ठानी है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ से लगते चीनी सीमा से सटे गांव के लोग चीन को करारा जवाब देने के पक्ष में हैं। व्यापारी भी खुलकर चीन के विरोध में नजर आए। वाराणसी समेत पूर्वांचल में करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के चीन में बने उत्पादों का ऑर्डर निरस्त कर दिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि अब सरकार को भी सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए। चीन निर्मित एक भी उत्पाद भारत में न आने दिया जाए। व्यापार से लेकर चीन के साथ हर संबंध को खत्म किया जाए। चीन के खिलाफ जिस तरह से देश एकजुट दिखाई दे रहा है, उससे अब जरूरी है कि भारत अब चीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी कमर कस ले। चीन की दी इस चोट का जवाब हम चुप रहकर नहीं झेल सकते। चीन के वार पर हमें चीन को ऐसा वार देना होगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की।